सो हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द डागर फैमिली पे स्वागत है। तो आज मम्मी सफाई कर रही थी तो हमने इधर ये पैकिंग के बैग खोल दिया है। तो हम 8 तारीख को हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो हमने सोचा थोड़ी सी पैकिंग कर देते हैं अभी ताकि काम आसान हो जाए। तो फिर मेरा मेरा सेक्शन भी, वो मतलब मेरे सेक्शन का कपड़ा भी, जो मेरे सेक्शन में कपड़े थे वो भी बहुत गंदे थे। मैंने सोचा मैं भी अपने मतलब तय कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे बेटे ने आपको बताया है कि हम आज पैकिंग कर रहे हैं, तो अब सबसे पहले ठंड बहुत ज़्यादा है, तो हमने क्या किया है, जैसे भी कपड़े थे सारे वुलन वाले जो हमें लेके जाने थे वो हमने सब कुछ इकट्ठे कर दिए हैं। कुछ उसमें पहले ही डाल दिए थे, ये देखो कुछ डले हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों पेयर मिला मिला के रख देंगे ताकि हमें वहां पर भी, वैष्णो देवी में भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वहां पर भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि एंड टाइम पे ना तो हमें समझ में आता है कुछ भी, टाइम कम होता है, मॉर्निंग में निकल के घूमने निकलने जाना पड़ता है तो इतना टाइम नहीं होता है। तो इसलिए हम यहीं से ही पेयर बना के चलेंगे। तो सोचते हैं, सोच तो मैं रही हूं कि या तो हम तीनों मैचिंग हो, एक दिन तो मैचिंग हो ही जाए, तो देखते हैं जैसे होता है। तो दोस्तों, एक ट्रॉली बैग ले लें अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, पर एक पिट्ठू बैग जरूर लें, क्योंकि इससे क्या होगा, ये वाला जो है वो हम नीचे ही होटल में जमा करवा देंगे, क्योंकि इसको कौन लेके चढ़ेगा। और इस पिट्ठू बैग में हम सिर्फ एक एक जोड़े कपड़े रख लेंगे जो हम नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह उठ के चेंज कर लें, और प्रसाद वगैरह जो हम नीचे लेके आ जाएं। तो एक पिट्ठू बैग कैरी करने में आसानी होती है, तो इसलिए पिट्ठू बैग जरूर लें। देखिए दोस्तों, एक ये पेयर हो गया है, ये इतनी प्यारी टी शर्ट है, ये पैंट है। अब इस पे हमने क्या है, दो टी शर्ट, ताकि ये जब डिनर करने जाए तो टी शर्ट चेंज कर ले और पैंट वही चल जाए। ये हो गया, ये पहले मैं मेरी बेटी की कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारा ये हो गया, ये पैंट ग्रीन, ये टी शर्ट और इसके साथ वाइट जैकेट। तो ये मैं ऐसे रोल करके साइड में लगा दूंगी, बेटी की ही जैकेट्स कुछ ज्यादा है। अच्छा, हमारा ये हो गया। हम वैसे बेसिकली जा रहे हैं, हम 8 को जा रहे हैं, हम 9 को वहाँ पर पहुँचेंगे। तो 9, 10, 11, 12 और 13, मतलब हमें चाहिए टोटल 6 ड्रेस। 6 ड्रेस में से एक हम उस पिट्ठू बैग में डालेंगे और बाकी हम 5 इसमें डालेंगे। तो कितनी हो गई, 1। तो हमें टोटल रखनी है 5, तो इसमें से हम 4 इसमें रखेंगे और 1 हम पिट्ठू बैग में रखेंगे। तो ये हो गया 1, 2 एंड 3, और ये हो गया हमारा 4th 1। ये हो गए हमारे पूरे। और एक ये है हमारी, ये रख दिए हमने। और ये देखिए दोस्तों, ये मेरी बेटी की जैकेट, इशू इधर, मेरी बेटी की तो हो गई है। अब मैं, मेरा बेटा और आदमी देखेंगे। चलो भाई, बेटी की हो गई, खुश हो गई होगी तो इधर पैकिंग जगह है। अब इसकी पैकिंग हो चुकी है, इतनी जगह तेरे में ही तेरे में। तो दोस्तों, अगर सर्दियों में जा रहे हो तो दो चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। एक तो सॉक्स, वुलन वाली सॉक्स, ये देखो मैंने, ये मैंने 4 सॉक्स ले ली हैं। और सबसे ज़रूरी कैप, कैप भी ज़रूर लें, क्योंकि ठंड बहुत है। तो जो कैप है ये मैं एक दो कैप इसमें डाल दूंगी और एक दो कैप हम अपने पिट्ठू बैग में डालेंगे ताकि हम ऊपर वैष्णो देवी पहन सकें। तो दोस्तों, ये हो गया है, ये एक पेयर,
किसकी पैकिंग कर रहे हो? अब मैं इशू की पैकिंग कर रही हूँ, जो मैं ऊपर दर्शन करते टाइम के लिए, इशू के लिए तो ये निकाल लिए हैं ये दोनों, तो ये दर्शन करते टाइम पहनेगा, ये पेयर, ये दूसरा पेयर, और ये हमारा तीसरा पेयर। ये कब पहनूंगा? और जब तेरा मन करे जींस चल जाएगी। तो ये मैंने दो जो टी शर्ट्स हैं ये एक्स्ट्रा ले ली है, ये टी शर्ट रख दी। अब इसको ये लग रहा है इसकी पैकिंग हो गई है, तो अब मम्मी को तो जरूरत ही नहीं है, मम्मी 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 को तो ऐसे ही ले जाना, मम्मी के तो कपड़ों की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें लेना है कपड़े, ये आशिका कर लेती हूँ मैं क्लोज। ये हो गया हमारी आशिका क्लोज। अब रह गया मेरा, मेरे हो गए सारे। अच्छा वो तो रखे ही नहीं वो सबसे ज्यादा। अब मैं अपनी रखूंगी जीन्स, देखूंगी मैं ये पहले कपड़े सिलेक्ट कर लो, एक जीन्स सारे कपड़े इधर इकट्ठे कर लो और एक ही है, दो जीन्स, एक हमारा ऑल टाइम फेवरेट डोलो जो सारी चीजों के पीछे चलता है, तीन ब्लैक पजामा, और एक हमारा फोर ये हो गई है हाय। तो अब यू मैं टी शर्ट्स, तो ये हो गई हमारी वन टू थ्री पीछे, और एक ये है ये टेंडाई, ये फोर, और दिस वन फाइव। कपड़े नहीं मिल रहे आपको अपने? मेरे पास ना इतने सारे कपड़े हैं, इतने सारे कपड़े हैं, पर फिर भी मैं कंफ्यूज रहती हूँ हमेशा कि कौन से लेके जाऊँ, वो समझ में नहीं आता। अब मेरा ये फेवरेट पैंट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर इसके साथ क्या करूँ, ये वाली टी शर्ट जाती है। अब इसके ऊपर कोई टी शर्ट ही नहीं है, अब मुझे नहीं खरीदनी पड़ेगी। पागल हमारी खरीद लो, मैं ये चलेगी ये चलेगी ये चलेगी ये चलेगी, एक दिन ये इसके नीचे पहन लेना, ये चलेगी टेंडाई चलेगी, टेंडाई चलेगी वाइट टेंड, इसके नीचे टेंडाई चलेगी। इसमें 10 कलर है, 10 ही है। ओके इसके ऊपर इसके नीचे चलेगी, चल गई, चल गई ना। अच्छा ये तो ये हो गई, अब रह गया मेरा ये वाला पजामा। अब इस वाले पजामे के साथ क्या लूं? किस वाले पजामे के साथ? इस वाले पजामे के साथ क्या लूं? एक दिन ये इस वाले पजामे के साथ ये चल जाएगी। हाँ ये चल जाएगी। तो एक दिन ये इसके नीचे पहन ले, ये इसके ऊपर पहन लेना, ये इसके ऊपर पहन लेना, ये इसके साथ और ये इसके साथ, और ब्लैक पूरा ब्लैक, और ये पूरा ब्लैक जैकेट तो पहनने के ऊपर पूरा ब्लैक कहाँ से होगा? वो भी ब्लैक ही है, हमें क्या पास जैकेट ही ब्लैक है, वो पास ब्लैक जैकेट अच्छी वाली जैकेट उसके साथ काउच है हमें क्या पास अभी कैसी है ऐसी तो पंजा कलर की है क्योंकि मेरे पास जो है वो मेरून कलर की जैकेट है, मेरी बहन जैकेट खरीदने वाली है तो अगर उसने कोई अच्छा सा कलर खरीदा तो उसकी छीनूंगी, पर मेरे दोनों बच्चों के पास सेम सेम है येलो, मुझे चाहिए थी येलो। मेरे पास कौन सी येलो है? पर मुझे येलो आई नहीं, मेरी ले लो। मेरे पास येलो कौन सी है? तेरी येलो नहीं आएगी मुझे, मेरी येलो कौन सी है? तो अब मैं ये डाल देती हूँ। तो दोस्तों ये हो गया, अब मैं सोच रही हूँ एक टी शर्ट जो है वो मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। दर्शन के लिए कौन सी निकाल दी? दर्शन करने के लिए भी निकालती हूँ, पहले इशू मेरी ना
अलमारी में से ना एक ना पिंक कलर की टी शर्ट है, उस पे ऐसे ऐसे स्टार बने हुए हैं। इनको समझ नहीं आएगा। पहले आज आज सारा सामान गिर जाएगा, मत दिखा मत दिखा प्लीज मत दिखा, सारा सामान गिर जाएगा। नहीं गिरा, बच गया धमाका होने से। नो 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 नो, आप ऑरेंज की बात कर रहे हो? वो अच्छी नहीं लगती, यही अच्छी है। ये मैच भी कर जाएगी इस डाई डाई वाले नीचे पे, ये अच्छी लगेगी। हाँ मैरून पेंट पे ये अच्छी लगेगी। ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज है, बट मैं ये वाली नहीं कह रही थी। मैं जो मैं ऊपर लेके जाऊंगी, जो मैं दर्शन करती हुई पहनूंगी, वो मैं अलग निकाल रही हूँ। तो मैं वो मैं सोच रही हूँ मैं कौन से लू, कौन से लू आशी, जो आपका मन करे। फिर भी कौन सी निकाली दर्शन के लिए? ये अच्छा निकाल ली थी पहले, ये पहले निकाल ली थी मैंने, भूल गए अभी। मैं भूल गई थी, पर अब मैं ये सोच रही हूँ कि हम ये जो बैग है ये फिर हम खोलेंगे तो नहीं, तो हम एक एक जोड़ी कपड़े और निकाल लेते हैं जो हम ट्रेन में से उतरते ही चेंज करेंगे, वो हम लॉकर में जमा करवा देंगे नीचे एक लॉक। अब सारे इसमें डाल रहे हो? हाँ मैं सारे इसी में डाल रही हूँ। ये मैंने इन बच्चों को इतने अच्छी तरह से पैक कर दिए हैं कि अब मुझे जो है अपने कपड़े वो ऐसे रखने पड़ेंगे। अच्छे से ही रख रहे हो। ये हो गया मेरा, मैं तो वहां पर मैचिंग कर लूंगी, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो किसी के ऊपर भी कुछ भी पहन लेती हूँ क्योंकि मैं इतनी प्यारी हूँ। आप प्यारे हो? मेरे बच्चे बोलते हैं मैं बहुत प्यारी हूँ। अपनी तारीफ कहीं भी चालू। ये हो गए। क्या हो गया भाई? हो गया पैकिंग। ये हो गई भाई। क्या हो गया भाई? पूरी तालियां, क्लैप तालियां। तो यही नहीं पता बात क्या पैकिंग हो गई। वाह बेड़े वाह, अभिषेक वहां से पकड़ा इतना मुझे, पागल नहीं हो। वाह मुझे वो पकड़ा, ये बंद करो, ये रखनी है तेरी। हाँ फिर मैचिंग कहाँ होगी? अरे मन करेगा तो पहन लूंगी, मन करेगा तो क्या पहन लूंगी, चल मत रखो फिर। मन करेगा तो मैं पहनूंगी, मैं पहनूंगी येलो के साथ। चलो दोनों पहन लेंगे, एक दिन मैं एक दिन आप, ठीक है? अपनी तो ले नहीं रही है, ये देखो ये रही इसकी और मेरी ले रही है वो जैकेट। ये क्या है भाई? कर दिया तूने अपना काम, टास्क कंप्लीट कर दिया? आगे सटियो अच्छे से कर रहा है। ये हो गई, ये और अब मैं इसको बंद। चल भाई ईशु आजा, जा ईशु। ये आसी कपड़े लुढ़काओ। चलो चलो ला। अरे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। हाँ आराम से होगा। तो फिर ये दबा क्यों रहा है? मैं क्या दबा रहा हूँ? इट्स व्हाट आई एम सेइंग। चलो ये से चैन सही से लगी नहीं, अब दोबारा लगा रहे हैं और ये पैकिंग कंप्लीट हो गई। चलो चलते हैं, पिट्ठू बैग अब रह गया हमारा पिट्ठू बैग, तो वो हम पैक कर रहे हैं। इतना जोर क्यों लगाती है? जिसमें हमें रखना है सिर्फ एक एक जोड़ी कपड़े, ये एक मेरा और ये एक मेरी बेटी के और ये एक जोड़ी मेरे बेटे के, बस यही रखने हैं। हाँ और हम इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखेंगे। मैं अपने ब्लैक पेन बाद में दे दूंगी। और हम इसमें कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि इशू को ही उठाना है। ओ
खच्चर खचरी कचरी तरबूज ये गए ये क्या 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 2 रुपए मांग रही है और ये हो गई सारी हमारी पैकिंग वेरी गुड ये हमने डाल दी इसमें कैप्स कैप्स ही कैप्स मेरी भी कैप है मेरी भी कैप है वो तो पहन के जाएगा भाई तिजोरी में से निकाल के लाया है ये रही गाइस सबकी हो गई तो हमारी हो गई है पैकिंग पूरी तो इंग्लिश का चैप्टर बन जाएगा पैकिंग क्या होता है उसमें बताइए उसमें होता है एक नरेटर होता है उसके दो दोस्त होते हैं उसका पेट होता है फिर वो नरेटर बोलता है कि मतलब मेरे से अच्छी कोई पैकिंग दुनिया में नहीं कर सकता फिर वो पैकिंग करता है लेकिन फिर वो कुछ चीज़ें भूल जाता है रखनी फिर वो फिर खोलता है फिर वो फिर कुछ चीज़ें भूल जाता है फिर वो फिर खोलता है फिर ऐसे 3 बार चलता है फिर वो पैकिंग कर देता है फिर वो उसके दो दोस्त होते हैं वो जो नरेटर होता है वो उनको कहता है कि अब तुम करके दिखाओ पैकिंग मैं देखता हूँ तुम कितने अच्छे तरीके से करते हो फिर वो पिकनिक पे जा रहे होते हैं फिर वो अपने खाने वाने का पैकिंग करते हैं वो दोनों दोस्त तो एक बटर सा होता है वो कोई बटर पर पैर रख देता है बटर पर पैर रख देता है फिर निकालते हैं बोलते चलो कोई नहीं एक बार पैर रख दिया कोई नहीं गंदा नहीं हुआ फिर वो फिर बैठ जाता है उस पर बैठ जाते हैं फिर कभी टमाटर पिचका देते हैं कभी गिलास तोड़ देते हैं ऐसा चलता रहता है फिर रात के 12:50 बजे उनकी पैकिंग कंप्लीट होती है फिर वो सोने जाते हैं तो फिर वो जो नरेटर होता है अपने दोस्तों के साइड में बेड के साइड में बाथटब लगा देता है ताकि वो जो कल सुबह उठें तो सीधा गिरें और मतलब जल्दी उठ जाए उनकी नींद खुल जाए तो फिर उसका डॉग होता है वो जो पिकनिक पे मतलब वो जो पैकिंग 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 करी होती है उन दोनों दोस्तों ने खाने की फिर वो उसके अंदर घुस जाता है और खाने लग जाता है फिर उसका दोस्त उसके पीछे भगता है मारने के लिए फिर जिसका वो जो जो जिसका मतलब क्या कहते हैं जो मालिक होता है ना उस पेट का उसका नाम मतलब नरेटर होता है वो तो नरेटर होता है वो फिर वो कहता है मेरे को नहीं पता मेरा मेरा पेट मेरे साथ नहीं करता ऐसा तुम्हारे साथ ही करता है फिर वो इतना ही होता है वो एक्टर नरेटर कौन है वो नरेटर जिरोम उसके तो दोस्त का नाम है जॉर्ज एंड हैरिस उसका पेट है डॉग उसका नाम है मोंट मोरेंसी क्या बोरिंग स्टोरी थी अब ये कपड़े मैंने रख दिए हैं जो हम पहन के जाएंगे ट्रेन में अब ये मेरा ट्रैक सूट है ये आशिका है और इशू तू थे अपने ये बड़े इशू के क्या इशू तो हमेशा ही है इशू को पता ही नहीं होता कि हम बात क्या कर रहे हैं और ये इशू का है कौन सी दुनिया में कौन सी दुनिया में सुनता है सब कुछ और ये इशू का है ये हम तीनों के कपड़े हो गए फाइनली पैक कितना हो गया तो अब दोस्तों कपड़ों की पैकिंग हो चुकी है अब रह गई है मेरा मेकअप के सामान की खाने की और कुछ जो अलग अलग चीज़ें हैं तो वो हम लेके जाएंगे अब जैसे मैंने इसमें टॉवल नहीं रखा है स्लीपर्स नहीं रखे हैं क्योंकि वो हम इस बैग में लेके जाएंगे क्योंकि टॉवल हमें वैष्णो देवी ऊपर भी चाहिए टॉवल तो बाणगंगा में चाहिए ही चाहिए और फिर स्लीपर्स जो है वो हमें ट्रेन में भी चाहिए स्लीपर्स हमें ऊपर भी चाहिए तो ट्रेन में अगर जाएं तो एक जोड़ी स्लीपर्स ज़रूर लेके जाएं और बड़े साइज़ की ही लेके जाएं क्योंकि छोटे साइज़ वाले तो बड़े साइज़ की पहन लेते हैं पर बड़े साइज़ वालों को बड़ी दिक्कत होती है छोटे साइज़ की पहनने में तो इसीलिए आप जो ज़रूरी सामान है वो तो ज़रूर लेके जाएं वैष्णो देवी जा रहे हैं कैप सॉक्स अपने अंडरगारमेंट्स टॉवल ये ज़रूर लेके जाएं और जितना हो सके ना कैश कैरी ना करें क्योंकि आजकल वैसे भी फ़ोन पे वगैरह इतना चल रहा है हर जगह आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है एटीएम वगैरह आपको हर जगह मिल जाते हैं तो कैश कैरी ना करें चोरी का खतरा होता है तो मैंने बहुत सारे इंसिडेंट देखे हैं कि चोरी हो जाती है
फिर इसीलिए मैंने हमने ये सोचा है, पिछली बार हम गए थे तो बाणगंगा में एक फैमिली की सारे की सारी जो कैश क्लोथ्स वगैरह वो चोरी हो गए थे, तो इसीलिए हमने सोचा है कि अब हम ना ही ज़्यादा कैश कैरी करें तो अच्छा है, क्योंकि कैश कम होगा तो खतरा कम होगा, हम एटीएम से वहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए कैश कैरी ना करें। और जैकेट्स वगैरह जो है हमारी वो इसमें ज़्यादा स्पेस लेती है, तो इसलिए हम यहाँ से भी ही पहन के ही जाएंगे, और एक एक कैप हम ज़रूर पहन के जाएंगे। अब पैकिंग रह गई है मेरी मम्मी की, मेरे भाई की, और मेरे हस्बैंड है उनकी भांजी की, तो उनकी पैकिंग भी दिखाते हैं हम आपको अगले व्लॉग में। मेरा मेकअप का सामान मैंने जो पैक नहीं किया है वो, खाना तो हम उसी दिन पैक करेंगे, तो अगर आप आ सकते हैं तो आप वैष्णो देवी ज़रूर आएं, हमसे ज़रूर मिलें। हम 8 तारीख को जा रहे हैं, 9 तारीख को हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे मॉर्निंग 8 बजे, तो आप हो सके तो वहाँ पर ज़रूर मिलें, और मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया।